हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, डोंट स्किप एंड वॉच टिल एंड। आपको हम आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं और आपको बताएंगे अजमेरा फैशन के बारे में। जी हाँ, अब आप ये सोच रहे होंगे अजमेरा फैशन क्या है और ये कहाँ है, तो हम आपको बता दें कि अजमेरा फैशन आपके सपनों का जहाँ है, अगर आप अपने लिए एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं कपड़ों का तो। और अब आपको बताते हैं कि ये कहीं और नहीं बल्कि सूरत में है। साथ ही हम आपको ये बता दें कि अगर आप अपने कपड़ों का व्यापार शुरू करना चाहते हैं, सोच रहे हैं करने की, तो अजमेरा फैशन से बढ़कर कोई भी बेस्ट ऑप्शन आपके लिए नहीं होगा। यहाँ आपको बहुत ही अच्छे मटेरियल की साड़ियाँ, साथ ही साथ आपको यहाँ कुर्तीज़, बच्चों के लिए कपड़े और भी बहुत सारी चीज़ें। साथ ही साथ हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका एड्रेस दे रखा है। अगर आपके मन में कुछ भी संदेह है तो आप इनके द्वारा रिफ्लेक्ट किए गए वीडियोस में जो नंबर है उन पर कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले भी सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, रिच पल्लू कॉन्सेप्ट है इसमें दोस्तों। बेस के साथ में टोटली जरी का कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, बॉडी में भी जरी का काम किया हुआ है और पल्लू में भी जरी का काम है। और इसमें जो बॉर्डर देखेंगे आप, माथा पट्टी हो गया या स्कर्ट में हो गया, फुल जरी का ही बॉर्डर आपको मिलने वाला है। इसमें जो है दोस्तों रिच पल्लू का कॉन्सेप्ट है जैसे आप देख पा रहे हैं, और पल्लू जो है रेड कलर की डाइंग से डाइंग किया हुआ है। बॉडी देखेंगे आप येलो कलर की है, छोटे छोटे बुट्टों का कॉन्सेप्ट बना हुआ है। नीचे बॉर्डर है, हेवी बॉर्डर का कॉन्सेप्ट है। बॉर्डर में भी आप देखेंगे रेड कलर का पूरा डाइंग किया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित अजमेरा, अजमेरा फैशन सूरत से दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अजमेरा फैशन के यूट्यूब चैनल पे। सो दोस्तों, आज आपके लिए पैतनी साड़ी का कलेक्शन लाए हैं। उसमें बहुत सारी वेरायटी रेगुलर बेसिस पे अपडेट होती रहती है, रोज़ नया कलेक्शन आता रहता है। तो कुछ रेंडमली एज ऑलवेज पीसेज में आपको आज दिखाने वाला हूँ। एक एक करके आपको पीसेस दिखाता हूँ, कलर मैचिंग बताता हूँ, कैसे कॉन्सेप्ट है उसमें और कैसे कॉन्सेप्ट आगे फ्यूचर में आने वाले हैं। तो फर्स्ट जैसे आप देख पा रहे हैं, पिंक कलर का पूरा रिच पल्लू इसमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। और साड़ी देखेंगे नेवी ब्लू कलर की है। और ये जो साड़ियाँ होती है दोस्तों टोटली रेपियर होती है, रेपियर बेस की मशीनों पर बनती है और टोटली वीविंग साड़ी होती है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये इसका रिच पल्लू दिया हुआ है दोस्तों। वीविंग साड़ी की अगर आपको देखनी हो पहचान तो पीछे के साइड में आपको इस टाइप से पूरा धागे दिखेंगे, फिनिशिंग के साथ चीज़ें आती है, पर ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको नज़र आने वाला है। तो आपको अगर देखना हो रेपियर की साड़ी या वीविंग की साड़ी तो आपको इस टाइप से कॉन्सेप्ट नज़र आ जाएगा। आगे आप देखेंगे पूरी साड़ी में काम आपको मिलने वाला है। बॉर्डर आप देखेंगे हेवी बॉर्डर इसमें आपको मिलने वाला है। जैसे आप देख पा रहे हैं रिच पल्लू के साथ में बॉर्डर भी फुल हेवी दिया हुआ है, बोथ साइड, ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी। माथा पट्टी आप देखेंगे पूरा जरी का कॉन्सेप्ट है, फुल साड़ी में वीविंग का काम है जैसे आप देख पा रहे हैं। और दोस्तों इसके ब्लाउज की बात करूँ, जैसे कॉन्ट्रास्ट पिंक कलर का पल्लू दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग इसमें पूरा हेवी ब्लाउज दिया हुआ है पिंक कलर का। जो काम साड़ी में आपको मिलने वाला है एज इट इज़ आपको ब्लाउज मिलेगा। तो इस टाइप से इसमें आपको बहुत सारे कलर वेरिएशंस मिल जाएंगे, डिज़ाइनें मिल जाएगी और ईच एंड एवरी साड़ी में आपको इस टाइप का पोस्टर मिलेगा जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट पूरा नज़र आ जाए। सो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट साड़ी की ओर, ग्रीनिश कलर में। जैसे आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर है इसका जो पल्लू है, गोल्डन जरी का पूरा हैवी काम किया हुआ है। देखिए फुल रिच पल्लू आपको मिलेगा, टोटली गोल्डन जरी का काम है, वीविंग का काम है। आप साड़ी में भी देखेंगे टोटली वीविंग का ही काम किया हुआ है, छोटे छोटे बुट्टी का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। इसमें स्कर्ट जो है थोड़ा सा बड़ा स्कर्ट दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा ट्रेंड में है जैसे आप देख पा रहे हैं। इस टाइप का बहुत अच्छा ट्रेंड अभी चल रहा है और कंटिन्यू साड़ी में आपको इस टाइप का ही काम मिलने वाला है। ऐसा नहीं है पल्लू में हेवी दे दिया हो, स्कर्ट या बॉडी में आपको हल्का काम मिले, ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा। फुल साड़ी में एज इट इज काम मिलेगा। इसका जो ब्लाउज है दोस्तों सिंपल सोवर ब्लाउज दिया है, स्लीव्स के लिए यहाँ पे बॉर्डर कॉन्सेप्ट दिया है। इसमें भी दोस्तों पोस्टर आपको मिलेगा, फोटो मिलेगी, साथ में इसमें चार कलर, सिक्स कलर की पूरी मैचिंग आती है तो एक डिजाइन में छः कलर, इस टाइप का कॉन्सेप्ट भी है। सिक्स डिजाइन सिक्स कलर इस टाइप का भी कॉन्सेप्ट अवेलेबल है। टोटली दोस्तों अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे।
चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। दोस्तों नेक्स्ट जो प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ वीविंग के साथ डाइंग कॉन्सेप्ट है। इसका जो पल्लू है दोस्तों रिच पल्लू का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इसमें, ये देखिए ये टोटली रिच पल्लू का कॉन्सेप्ट है। ये जो आप कलर देख रहे हैं दोस्तों इसमें जो डाइंग किया हुआ है ये पोर्शन पूरा पल्लू का इसमें पूरा डाइंग किया हुआ है, बैक साइड फिर अलग कलर से डाइंग किया हुआ है, नीचे आप बॉर्डर देखेंगे पूरा ब्लू कलर से डाइंग है, ब्लू और थोड़ा ऑरेंज गाजरी कलर का कॉम्बिनेशन है साड़ी में, एकदम स्टैंडर्ड क्वालिटी का इसमें डाइंग कलर यूज किया हुआ है और पूरी साड़ी में यही कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है। ऊपर आप देखेंगे पूरा जरी का कॉन्सेप्ट है, पूरी साड़ी में आप देखेंगे बॉर्डर जो है डाइंग किया हुआ है, नीचे की साइड पूरा बॉडी में आपको पूरा जरी का काम मिलेगा। और इसका दोस्तों जो ब्लाउज है वो सेम जैसे पल्लू दिया हुआ है कॉन्ट्रास्ट ब्लू कलर का उसी के अकॉर्डिंग इसमें ब्लाउज दिया हुआ है, ब्लाउज भी फुल हैवी वीविंग का मिलेगा आपको इसमें। जैसे दोस्तों मैं बता रहा हूँ हर एक पीस के साथ आपको पोस्टर मिलने वाला है तो इसमें भी आपको इस टाइप की फ़ोटो मिलेगी, ईच एंड एवरी साड़ी में आपको दोस्तों फ़ोटो मिलने वाली है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है फुल रेपियर के मशीन पे बना हुआ प्रोडक्ट है, इसमें कहीं भी डाइंग का यूज़ नहीं किया हुआ है। सो जैसे आप देख पा रहे हैं रिच पल्लू का कॉन्सेप्ट है, पल्लू में आप देखेंगे ब्लू कलर का बेस है नीचे, फिर ग्रीन इस कलर का धागा यूज किया हुआ है टोटली और गोल्डन कलर का पूरा जरी का काम इसमें किया हुआ है। बैक साइड बॉडी में आप देखेंगे छोटे छोटे फ्लावर की बुट्टी दी हुई है, बॉर्डर जो है इसका फुल जरी का काम है, कम से कम 3 से 4 इंच का पूरा वीविंग का बॉर्डर है इसमें। माथा पट्टी में भी सेम कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है और पूरी साड़ी में सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे आप देख पा रहे हैं हेवी पूरा बुट्टियाँ बनी हुई है जरी की। और इसका जो ब्लाउज है दोस्तों जेकार्ड का ब्लाउज है, फुल हेवी जेकार्ड ब्लाउज दिया हुआ है, एकदम भरा हुआ ब्लाउज है जैसे आप देख पा रहे हैं, फुल काम किया हुआ है जेरी का, वीविंग का पूरा काम है इसके अंदर। बॉर्डर भी इसमें स्लीव्स के लिए जो दिया हुआ हैवी बॉर्डर दिया हुआ है। इसका जो दोस्तों पोस्टर है इस टाइप का आपको इसमें पोस्टर मिलने वाला है, जिससे क्या कलर कॉन्सेप्ट आपको नज़र आ जाए। दोस्तों पैठनी साड़ी की और एज ऑलवेज 12 महीने डिमांड रहती है, अगर आपको इसका बिजनेस स्टार्ट करना है ओनली पैठनी साड़ी इसका तो भी आप घर बैठे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे हमेशा बोलते हैं कि आपको ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप छोटी सी अमाउंट से अपने घर से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर अमाउंट की बात करूँ दोस्तों 15 से 20 हज़ार रुपये तक की अमाउंट से आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें आप पैठनी साड़ी के अलावा भी और प्रोडक्ट ले सकते हैं। आपके एरिया में किस चीज़ की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग भी आप परचेजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपको गाइडेंस चाहिए, आपको आइडिया चाहिए कि किस प्रोडक्ट से हमें बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए तो दोस्तों हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं आप उस पर कॉल करके सारी डिटेल ले सकते हैं, हर चीज़ के बारे में हमारे एग्जीक्यूटिव आपको बताएंगे। दोस्तों नेक्स्ट जो साड़ी दिखा रहा हूँ जैसे आप देख पा रहे हैं रिच पल्लू कॉन्सेप्ट है, इसमें दोस्तों बेस के साथ में टोटली जरी का कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, बॉडी में भी जरी का काम किया हुआ है और पल्लू में भी जरी का काम है। और इसमें जो बॉर्डर देखेंगे आप माथा पट्टी हो गया या स्कर्ट में हो गया, फुल जरी का ही बॉर्डर आपको मिलने वाला है और कंटिन्यू साड़ी में एक जैसा ही काम मिलेगा, फ्लावर टेस्ट है। और इसमें जो ब्लाउज दिया हुआ है सिंपल सोबर ब्लाउज है दोस्तों, जिसमें पल्लू और बॉडी में हेवी काम हो उसमें ब्लाउज आपको सिंपल सोबर मिलेगा, स्लीव्स के लिए इसमें बॉर्डर दिया हुआ है तो इस टाइप का ये कॉन्सेप्ट है। इसका इस टाइप से आपको पोस्टर मिलने वाला है जैसे आप देख पा रहे हैं। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। नेक्स्ट प्रोडक्ट भी डाइंग कॉन्सेप्ट का है, जैसे आप देख पा रहे हैं येल्लो कलर पे रेड कलर का नीचे की ओर डाइंग किया हुआ है। इसमें जो है दोस्तों रिच पल्लू का कॉन्सेप्ट है जैसे आप देख पा रहे हैं, और पल्लू जो है रेड कलर की डाइंग से डाइंग किया हुआ है, बॉडी देखेंगे आप येलो कलर की है, छोटे छोटे बुट्टों का कॉन्सेप्ट बना हुआ है, नीचे बॉर्डर है हेवी बॉर्डर का कॉन्सेप्ट है, बॉर्डर में भी आप देखेंगे रेड कलर का पूरा डाइंग किया हुआ है। दोस्तों डाइंग किया हुआ माल आपको मार्केट में कहीं भी मिल सकता है, पर इस डाइंग की जो क्वालिटी है, डाइंग करने की प्रोसेस जो है, डाइंग करने का जो एक तरीका है दोस्तों, हमारे यहाँ जो फिनिशिंग आपको मिलने वाली है डाइंग की वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप देखेंगे कलर कहीं से ऊपर निकल रहा है, कहीं छूट गया है, ऐसा हमारे यहाँ कहीं भी साड़ियों में नहीं मिलेगा, एकदम स्टैंडर्ड क्वालिटी का डाइंग कलर यूज करते हैं। और दोस्तों इसमें जो ब्लाउज दिया हुआ है
सेम पल्लू के कलर का ही ब्लाउज दिया हुआ है, फुल जैकार्ड का जैसे आप देख पा रहे हैं इसका ब्लाउज है। छोटी छोटी बुटियों का कॉन्सेप्ट इसमें लिया हुआ है। तो दोस्तों इस टाइप से पैठनी साड़ी में और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट अवेलेबल है, बट दोस्तों एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है सारा कलेक्शन। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए और प्रोडक्ट देखने हो तो आप हमारे यहाँ वीडियो कॉल करके भी देख सकते हैं, या हमारे जो व्हाट्सअप नंबर दिए हैं आप उस पर कॉन्टेक्ट करके साड़ी के बारे में हो या आप लोगों जैसे आइडिया है, हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट में डील करते हैं, एथनिक वियर से रिलेटेड हो, मेंस वियर से रिलेटेड हो, किड्स वियर हो, अंडरगारमेंट्स हो, दोस्तों किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको जानकारी लेनी है तो जो हमारे नंबर दिए हुए आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव सारी डिटेल आपको घर बैठे पहुंचाएंगे। सो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो आपको किस प्रोडक्ट से रिलेटेड चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे क्या है जो भी नए वीडियो अपलोड करेंगे हम लोग आप तक नोटिफिकेशन जरूर आए। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, नमस्ते। We'll be right back.